हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं जेन बी टेक में। दोस्तों आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ, वो है एक इस टाइप के स्मार्टफोन्स के बारे में जिसका सबसे बेसिक चीज़ होती है सेल्फी देना, बेस्ट सेल्फी कैमरास देना। तो इस टाइप के जैसे स्मार्टफोन्स आप जानते हो कि ओप्पो और वीवो सब ज़्यादा जानते हैं इस टाइप के लिए स्मार्टफोन। आप जाने जैसे कि रियर कैमरा के लिए आपके पास गूगल जैसे स्मार्टफोन्स आते हैं मार्केट में। तो दोस्तों इसकी क्या कमियां रहती है, आज इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जो मतलब कि आप बेसिकली जानते हो कि सेल्फ़ी के लिए एक्सपर्ट जाने जाते थे गूगल और वीवो, तो उनमें जो चीज़ें देखने को मिलती थी तो वो प्राइस से ओवर देखने को मिलती थी, क्योंकि दोस्तों जो प्राइस था उनका वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन थी वो इतनी जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी उस प्राइस को। तो इस कारण उनकी जो पॉपुलरिटी थी मार्केट में, भले ही ऑफलाइन मार्केट में उनकी बिक्री हो रही थी, क्योंकि वो ऑफलाइन मार्केट के लिए स्पेशली मतलब कि जो रिटेलर्स थे उनके थ्रू इजीली बेच सकते थे, क्योंकि दोस्तों जो रिटेलर्स थे उनको स्पेशल लॉयल्टी दी जाती थी जिस कारण कि जो मार्केट में स्मार्टफोन्स काफ़ी जल्दी बिक जाते थे। लेकिन दोस्तों फिर उनके पास एक इस टाइप के मतलब कि चैलेंज आए, जैसे कि आप जानते हो कि जो मार्केट में आज की डेट में ऑनलाइन स्टोर्स है, तो वहाँ पर आप जैसे शाओमी जैसे स्मार्टफोन्स अगर आने लगे तो उन्हें चैलेंज मिलेगा, और जो ऑनलाइन की चीज़ें थी वो भी मार्केट में बहुत जल्दी आने लगी और हर एक लोग ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा बढ़ गए, जिस कारण कि उनकी जो सेल्स थी जो ओप्पो वीवो की सेल्स थी वो कम हो गई। तो दोस्तों उन्हें प्राइस मतलब कि जो प्राइस था या फिर कम करना चाहिए था, या फिर जो चीज़ें थी उसकी जो स्पेसिफिकेशन थी उसको बढ़ानी चाहिए थी। आई नो कि आज की डेट में जो ओप्पो और वीवो है वो इनोवेशन के लिए सबसे ज़्यादा आगे जाना जाते हैं, और जो इनोवेशन है उनकी काफ़ी हाई है, क्योंकि दोस्तों कुछ ना कुछ तो कंपनी को करना पड़ना था, वरना कंपनी का काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है या फिर कंपनी बंद भी हो सकती थी। तो दोस्तों अब बात कर रहे हैं आज गूगल की। दोस्तों जो गूगल ने हाल ही में गूगल पिक्सल 3 ये लॉन्च किया, तो उसमें कैमरा बेस्ट है लेकिन जो स्पेसिफिकेशन है वो इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा प्राइस को। उसी प्राइस में आपको अभी जो वन प्लस के स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे, तो वो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा देंगे, और लोगों को मतलब कि आज की डेट में जो कैमरा स्मार्टफोन्स भले ही चाहिए, लेकिन जो बाकी स्मार्टफोन्स भी आ रहे हैं मार्केट में वो भी कैमरा में काफ़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं, इस कारण चैलेंज देखने को मिल रहा है स्पेशल जो स्मार्टफोन्स बनाए जा रहे हैं कैमरा के लिए। और दोस्तों क्लियरली देखा जाए तो जो स्पेसिफिकेशन है वो कैमरा से जस्टिफाई नहीं होती, क्योंकि एक कैमरा एक स्पेसिफिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो प्रोसेसर्स है रैम है इस टाइप की जो चीज़ें वो ज़्यादा मतलब कि बेसिक इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है एक स्मार्टफोन के लिए। और वो चीज़ कमज़ोर दी जाए तो आपका स्मार्टफोन बात बात पर हैंग हो सकता है, लैग हो सकता है, और जो प्रोसेसिंग होगी उसमें वो भी स्लो होगी थोड़ी, और अगर आप एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पर जंप करें वो भी वीक हो जाएगी, और जो आपकी स्मार्टफोन की जो प्रोसेसिंग होगी जो कैमरा प्रोसेसिंग होगी उसके भी जो कमज़ोर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों इस तरह से अगर जो स्पेसिफिकेशन है अगर बेस्ट स्पेसिफिकेशन है, बेस्ट प्राइस है, बेस्ट कैमरा है, तो स्मार्टफोन आपका बिकेगा ही बिकेगा, क्योंकि दोस्तों इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट ला सकते हो जैसे कि जिसमें आप भले ही रिस्क लो, लेकिन अगर इंडिया में कोई प्रोडक्ट चल गया तो वो काफ़ी ज़्यादा बिकता है इंडिया, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है और इंडिया में काफ़ी कंपनीज आती है जो कि रिस्क लेती है शुरू में, अगर चल गई तो इतनी डेवलपमेंट कर लेती है जितनी कोई बाकी कंपनी कर नहीं सकती किसी भी दूसरी कंट्री की मार्केट में। अगर दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ देखी जाए जैसे कि आपको कोई सेल्फी कैमरा, अगर कोई ऐसा स्पेशल कैमरा दिया जाए या फिर कोई इस टाइप का स्मार्टफोन दिया जाए, क्योंकि दोस्तों जो कैमरा होता है वो हमेशा जो DSLR की बात कर रहा हूँ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है एक स्मार्टफोन के कैमरा से, क्योंकि एपर्चर चेंज होता है, फोकस लेंथ चेंज होती है, जो मतलब कि आपके पास जो डायमीटर होता है आगे वाला लेंस होता है जो आगे वाला वो भी काफ़ी डिफरेंस होता है उसका, क्योंकि जो चीज़ें होती है DSLR और स्मार्टफोन में वो काफ़ी अलग होती है। और सिंपली कहा जाए तो DSLR काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है एक स्मार्टफोन के कैमरा से, भले ही आजकल के स्मार्टफोन के कैमरा काफ़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर कि जो DSLR है वो बाजी मार देता है।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और इस टाइप के स्मार्टफोन से दूर रहना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।